अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं पिज्ज़ा रोल अप्स, और उसके लिए पिज्ज़ा का डो बना के यहाँ रोल करके हमने सर्फिस पे रख दिया है ताकि जल्दी से हो जाए। अब मैं आपको बताऊँ कि किस तरह मैंने पिज्ज़ा का डो बनाया था। 2 से 2.5 कप आप मैदा लीजिएगा, थोड़ी सी चीनी डालिएगा पिसी हुई, नमक डालिएगा, खमीर जाएगा 1 से 2 टेबल स्पून, यीस्ट पाउडर जो होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें रेडी जो हमारे ड्राई मिल्क पाउडर मिल जाता है वो डाल दिया था। गरम पानी यानी नीम गरम पानी, लुक वार्म वाटर होना चाहिए, बॉइलिंग नहीं, खौलता हुआ पानी होगा तो आपका खमीर मर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल के आप इसको डो को फॉर्म करके 2-3 घंटे रख दीजिएगा, फिर निकालिएगा, उसको बेलिएगा, और फिर उस पर जो चीज़ें हमने डालनी हैं वो सब कुछ यहाँ है। सो आई हैव गॉट चिली सॉस, टमाटो पेस्ट एंड टमाटो केचप, ठीक है। ये बहुत ही आसान झटपट 2 मिनट वाला टमाटो सॉस के साथ आप बना दीजिए एक पिज्ज़ा सॉस। सो बोल में मैंने डाल दिया ये टमाटो पेस्ट। हायर का टोस्टर ओवन मैंने कर दिया है प्रीहीट। ये थोड़ा सा चिली सॉस और ये थोड़ा सा केचप, ठीक है। और स्पाइसी करना है तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें, वॉट एवर यू लाइक। अब आपने इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देना है, पूरा हम स्प्रेड कर देंगे। ब्रश ले लीजिए, चेडर मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके वहाँ रख दिया है, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, जो भी आपको वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट ऑन टॉप, ठीक है, ब्रश की मदद से। ये मेरे पास चेडर चीज़ है, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, और थोड़ी सी चीज़ मैं यूज़ करूँगी। जैतून है काले और हरे यानी ऑलिव्स, मशरूम्स हैं, अब आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है। ठीक है जी, अच्छा छुरी लेंगे एक शार्प सी, एक डिश लेंगे इस तरह की जिसमें आप ये रोल अप्स रखेंगे, इसको आप इस तरह काटना शुरू कर दीजिए और रखना शुरू कर दीजिए। साथ साथ लगा के, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं, अंदर की फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा चीज़ होगा उतना मज़े का होगा।
डो जो है वो आप बना के रखिएगा प्लीज़, ताकि ये जल्दी से हो जाए। डो बनाने आप बैठिएगा नहीं, डो रेडी होगा तो यू विल बी एबल टू डू इट क्विकली। अब एक और चीज़ रहती है, यहाँ मेरे पास पिघला हुआ मक्खन है, लहसुन है और पार्सली है। सो पिघले हुए मक्खन में हम डालेंगे लहसुन क्रश किया हुआ, पार्सली, और मिक्स कर दीजिए। ब्रश लीजिए और ब्रश की मदद से आपने इसके ऊपर ये लगाना है गार्लिक बटर विद पार्सली, ठीक है। अच्छी तरह हर जगह लगे गार्लिक बटर, जिसमें मैंने पार्सली भी डाली है। अब हम रखेंगे इसको हायर के टोस्टर ओवन में। ठीक है जी, चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब हम कड़ी बिस्किट्स की रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ मुझे 1/3 कप बटर लेना है, तो ये 1/3 कप बटर है, ठीक है। उसमें हम डालेंगे 1 अदद अंडा, इसमें हम डालेंगे जस्ट 1 टीस्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट, ठीक है। कड़ी पाउडर है ये, सालन मसाले के नाम से कड़ी पाउडर जाएगा, नमक जाएगा। ये सेवरी बिस्किट्स हैं, नमकीन मसालेदार मज़ेदार से ट्राई करिएगा। मैदा और बेकिंग पाउडर, बस दैट्स इट। इसका डो बना के रख दीजिएगा, थोड़ी देर इसको रेस्ट होने दीजिएगा, फिर इसको बेल दीजिएगा और इसको आप बेक कर दीजिएगा। आप हायर के बिल्ट इन ओवन में कर दीजिए, टोस्टर ओवन में कर दीजिए, किसी भी चीज़ में। थोड़ा सा मक्खन हमें और चाहिए होगा, इसलिए पहले मैंने कम यूज किया था। अगर डो फॉर्म नहीं हो तो 1/4 चम्मच आप दूध डालिएगा, फिर इस तरह करके देखिएगा। अब देखें, अब ये डो फॉर्म हुआ, देखा आपने, सही है। अब हम बनाएंगे। कड़ी बिस्किट्स को आप किसी डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, हंग कर्ड जो है ना, दही का मट्ठा, उसके डिप के साथ, सा क्रीम के डिप के साथ।
बिस्किट के डो को हमेशा ठंडा होने देते हैं ताकि बिस्किट्स अच्छे से नाइस एंड क्रिस्पी हों। टाइम नहीं हो तो आप थोड़ी देर के लिए हायर के रेफ्रिजरेटर में उसको रख दीजिएगा। ये देखें, डो अच्छा सा फॉर्म हो गया ना, अब आप इसको निकालिए और बेलिए। थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए काउंटर पे, रोलिंग पिन पे। अच्छे से देखें ये राइज हुए हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा ज़रा जाके देखते हैं। पिज़्ज़ा कटर से इस तरह के आप कुकीज़ काट लीजिए। ऑब्लॉन्ग या स्क्वायर या रेक्टेंगल कोई से भी शेप्स में आप इसको काटिए और एक ले आइए ट्रे और उस पर रखते जाइए और हायर के बिल्ट इन ओवन में फिर रख दीजिए। अच्छा जी, ये मैं ओवन में रख दूंगी ब्रेक में, आप लोग लीजिए ब्रेक। देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी तो मैंने ब्रेक में ये निकाल दिया था टोस्टर ओवन से, ठीक है। कितना अच्छा देखें राइज हुआ है, कलर भी आया है। ट्राई आप ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। अब मैं जा रही हूँ हायर के बिल्ट इन ओवन में से करी बिस्किट्स को निकालने। ये भी हो गए हैं। बिस्किट्स का कैसे पता चलता है कि हो गए हैं? अपनी जगह छोड़ देते हैं। सो कड़ी बिस्किट्स आर रेडी। प्लेन सर्व कर दीजिए, किसी गार्लिक डिप के साथ सर्व कर दीजिए। कुछ नहीं हो तो क्रीम के अंदर चंद कतरे लेमन जूस के डाल के सा क्रीम बना के उसको सर्व कर दीजिए। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो और मज़ीद थोड़ा सा गार्लिक बटर, लहसुन, पार्सली और पिघला हुआ मक्खन साथ में एक बोल में रखिएगा और इसको निकाल के उसमें डिप करके भी आप खा सकते हैं। या आप सिर्फ टमाटो केचप और मेयोनीज को एक बोल में मिक्स कर दीजिएगा इक्वल क्वांटिटीज़ में और उसको डिप करके खा सकते हैं। एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। सो ऐसे है कि आप लोग जाइए रेसिपी रिकैप की तरफ, मैं ज़रा इसको डिश में निकालती हूँ। स्टे ट्यून्ड। पिज्ज़ा रोल अप्स अज्जा। पिज्ज़ा डो 345 ग्राम। पिज्ज़ा सॉस के लिए अज्जा। मोज़रेला चीज़ कद्दूकश हस्बे ज़रूरत। मशरूम्स बारीक कटे हस्बे ज़रूरत। गार्लिक बटर के लिए अज्जा। फीका मक्खन 25 ग्राम। पिसा लहसुन 1 जवा। कटे पार्सले 1 खाने का चमचा। तरकीब। पिज्ज़ा डो को 2 बड़े रेक्टेंगुलर में चपटा कर लें। पिज्ज़ा सॉस को दोनों पिज्ज़ा पीसेस पर फैला दें, फिर कद्दूकश मोज़रेला चीज़ छिड़क कर कटे मशरूम से कवर करें। उसके बाद डो को लंबाई में रोल करें और 1.5 इंच काट कर बेकिंग ट्रे में डालें। गार्लिक बटर के लिए मक्खन, लहसुन और पार्सले बोल में मिक्स कर लें। अब इसे रोल अप्स पर ब्रश करें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके सर्व कर दें। करी बिस्किट्स अज्जा। मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1/2 चाकर चमचा, नमक 1/4 चाकर चमचा, करी पाउडर 2 चाकर चमचे, मक्खन 1/2 कप, अंडा 1 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 चाकर चमचा। तरकीब। मैदा, बेकिंग पाउडर और करी पाउडर छान लें। अब इसमें नमक शामिल करके मक्खन में मिक्स करें यहाँ तक कि वो ब्रेड क्रम्स जैसे हो जाएं।
इसी दौरान अंडा और टोमेटो प्यूरी को विस्क करें, फिर इसमें खुश्क मिक्सचर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके डो बना लें। अब इसे गूंद कर बेल लें, उसके बाद इसे काट कर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। तो रीकैप से वापस आ गए हैं। आई होप आपने कड़ी बिस्किट्स के और ये जो पिज्ज़ा रोल अप्स हमने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार से, उन दोनों की रेसिपीज़ नोट की होंगी और आप ज़रूर उसको ट्राई करेंगे। हर हफ्ते फ्राइडे को शाम को 6 बजे ट्यून इन टू हायर्स शो एंड ज़रूर देखिए, सीखिए ये सारी रेसिपीज़। रात में 10 बजे हमारा शो रिपीट होता है। सो आई होप आप बनाएंगे और इसी तरह मेरा साथ देंगे अगले एपिसोड में भी। तो मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।